स्टूडेंट्स वैसे तो क्वांटिटेटिव रिसर्च के तीन ही बेसिक रिसर्च डिज़ाइंस हैं सर्वे रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कंटेंट अनालसिसिस इनमें फिर आगे इनकी वेरियस टाइप्स हैं अप्रोचेज हैं मगर हम इस कोर्स में जो है मिक्स मेथड रिसर्च को भी एज अ रिसर्च डिज़ाइन पढ़ेंगे क्योंकि मिक्स मेथड रिसर्च जो है उसमें हम क्या बात करते हैं कि हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कोई ट्रायंगुलेशन की बात करते हैं तो इसलिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप जो है मिक्स मैथड रिसर्च के बारे में भी जानें और इसके क्या डिज़ाइंस हैं इसकी क्या अप्रोचेज हैं उसको भी स्टडी करें मिक्स मैथड रिसर्च जिसको बेसिकली हम एम एम आर भी कहते हैं इट कम्बाइन एलिमेंट्स ऑफ क्वान्टिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इन ऑर्डर टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन हम जो है अगर बात करें सोशल साइंस रिसर्च की तो जो है ट्वेंटी सेंचुरी में लेट ट्वेंटी सेंचुरी में नाइनटीन तक जो है पैराडाइम वॉर बड़ी विजिबल थी यानी जो क्वालिटेटिव रिसर्च थे वो एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च को जो क्रिटिसाइज़ करते थे और इसी तरह जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर हैं वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते थे कि कोई कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक या नॉलेज एग्जिस्ट करता है यानी दोनों में एक बड़ा डिटेल्ड आर्गूमेंट था कि नॉलेज जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है रियलिटी क्या सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव तो इस बेसिस पे आ, कभी भी आ, जो है वो ट्रायंगुलेशन की बात नहीं करते थे मेथड्स की कि हम क्वांटिटेटिव का जो रिसर्च डिज़ाइन के मेथड्स हैं और जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के मेथड्स को हैं उनको पैरेलल या जो है सिक्वेंशली भी यूज़ कर सकते हैं मगर 80s और 90s में फिर इस बारे में बात होना शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है एम जो है एज आ रिसर्च डिज़ाइन डेवलप हुआ अब और अब जो है एम एक प्रॉपर रिसर्च मेथडोलॉजी है एम एम आर कैन हेल्प यू गेन अ मोर कम्प्लीट पिक्चर देन अ स्टैंड अलोन क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी इसकी खूबसूरती ये है एम एम आर की कि ये एक प्रैगमेटिक अप्रोच है ना ही ये ऑब्जेक्टिविस्ट अप्रोच है ना ही ये सब्जेक्टिविस्ट अप्रोच है बल्कि ये एक प्रेगमेटिक अप्रोच है इसका मतलब ये है कि आप एक फिनोमिना को दोनों लेंस के साथ स्टडी कर सकते हैं और आपको ज्यादा जो है, जो है कंप्लीट पिक्चर मिल सकती है ऑफ एनी सोशल इशू प्रॉब्लम और फिनमिना अगर हम बात करें नॉलेज प्रोडक्शन की तशकोरी एंड टडली पब्लिश फर्स्ट हैंड बुक ऑफ मिक्स मैथड रिसर्च इन साइंस एंड दे हैड फाउंड नियरली फोर्टी डिफरेंट टाइप मैथड्स डिजाइन इन द लिटरेचर यानी अगर हम एम एम आर के अंदर रिसर्च डिजाइंस uh, की बात करें तो उनका ये मानना है कि कोई चालीस के करीब रिसर्च डिजाइंस बनते हैं या अप्रोचेज या स्ट्रैटीज बनती हैं इसी तरह एक रिनाउंड मिक्स मैथड स्कॉलर है क्रेसुअल क्रेशवेल प्लानो क्लाक एंड आल जो है उन्होंने जो है 2003 में एक आर्टिकल पब्लिश किया और जिसमें उन्होंने ये स्टेब्लिश किया कि बेसिकली देर आर 12 क्लासिफिकेशंस ऑफ एमएमआर रिसर्च रिजल्ट्स व्हाट आर द दैक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएमआर इन एन एमएमआर द रिसर्चर कलेक्ट्स एंड एनालाइज बो टाइप ऑफ डेटा इन रिस्पॉन्स टू रिसर्च क्वेश्चन यानी आपके जो टेक्निकाटा कलेक्शन है वो दोनों होती हैं यानी आप क्वालिटेटिव डाटा भी लेते हो और क्वांटिटेटिव डाटा भी लेते हो इन अ सिंगल स्टडी एंड इंटीग्रेट्स टू फॉर्म्स ऑफ डाटा एंड देयर रिजल्ट्स फिर आप क्या करते हैं आप जो रिजल्ट्स हैं क्वांटिटेटिव डेटा के और क्वालिटेटिव डेटा के उसका कंपैरिजन करते हैं वो देखते हैं कि वो डाटा एक दूसरे को कन्फर्म कर रहा है क्या उसमें डिस्पैरिटीज़ हैं या वो एक दूसरे से इन कॉन्फ्लिक्ट है तो आप इस चीज़ को स्टडी करते हैं ऑर्गनाइजेज दीज प्रोसीजर्स इन टू असिफिक रिसर्च डिजाइड यानी अब ये काम करना कि भाई क्वालिटेटिव कौन सा होगा पहले होगा या क्वान्टिटेटिव पहले होगा या क्वान्टिटेटिव मेजर पार्ट होगा या क्वालिटेटिव मेजर पार्ट होगा इसकी बेसिस पे आगे क्लासीफिकेशनस हैं एम एम आर की जो हम नेक्स्ट मड्यूल में देखेंगे फ्रेम दीज प्रोसीजर विद इन थ्योरी एंड फिलासफी और फिर हम इनको फ्रेम करते हैं फिलो, फिलोसफिकली और थ्रेटिकली भी

में एम एम आर अलाउज इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम बोथ द इंडक्टिव एंड एडक्टिव प्रस्पेक्टिव यानी आप थ्योरी टू जनरलाइजेशन भी जा सकते हैं और जनरलाइजेशन टू थ्योरी भी जा सकते हैं यानी आप स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन और जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक भी हो सकते हैं इसमें आप जो आपकी दोनों अप्रोच आ जाती हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली एनेबलिंग रिसर्चर्स टू कम्बाइन थ्यूरी जनरेशन एंड हाइपोसिस टेस्टिंग विद अ सिंगल स्टडी यानी आप एक ही स्टडी में ना आ जो है एक थोरेटिकल अजम्पन्स क्रिएट करके उनको टेस्ट भी कर सकते हैं आ ये मिक्स मेथड रिसर्च के डिजाइन में ही पॉसिबल है इफ़ वी टॉक अबाउट द डिसडवाटेज ऑफ एम एम आर द फर्स्ट डिसएडवाटेज इज टाइम कंजन एंड द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ द स्टडी ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है क्योंकि आपने क्वांटिटेटिव डेटा भी लेना है और क्वालिटेटिव डेटा भी लेना है फिर यू नीड मोर फाइनेंस आपने अगर अपनी स्टडी को कंडक्ट करना है तो आपको ज्यादा पैसे की ज़रूरत है अगर आप एम एम आर के बेस पर कोई स्टडी करें डिफिकल्ट फाइंडिंग विद एक्सपीरियंस इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च बेसिकली सोशल साइंस में क्या होता है कि वी आर एक्चुअली स्पेशलाइज्ड इन अ वन फॉर्म ऑफ रिसर्च या तो हम क्वान्टिटेटिव रिसर्च हैं या रिसर्चर हैं या हम क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं बहुत कम ऐसे रिसर्चर होते हैं जो दोनों फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं तो ये इस वजह से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी है कि जो दोनों की कंप्लेक्सिटीज को समझता हो रिसर्चर हैज़ टू लर्न मल्टीपल मैथड्स एंड बी एबल टू नो हाउ टू मेक्स ईच मैथड इफेक्टिवली आपका एक्सपीरियंस क्या है एम एम आर में और आप कितना जानते हैं कि कब कौन सा डिजाइन आपने कैसे किस तरह की सिचुएशन में यूज़ करना है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड uh, इसमें जो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हाउ टू इंटरप्रेट कन्फ्लिक्ट रिजल्ट्स अगर क्वांटिटेटिव डाटा क्वालिटेटिव डाटा को कन्फर्म नहीं कर रहा या क्वालिटेटिव डाटा जो है वो अगेंस्ट जा रहा है क्वांटिटेटिव डाटा के तो फिर आप कैसे इन कन्फ्लिक्ट रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जिसको डिसएडवांटेज भी समझा जाता है एम स्टडीज़ में